हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एएमयू में पहली बार जो आपके ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं, तो यूजी कोर्सेज के लिए पहली बार सेल्फ फाइनेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिससे रिलेटेड पहले भी एक नोटिस आ चुका था। और देखिए, आज हमारे पास एक नया नोटिस आ गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं, किस किस को यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की जो सीट हैं वो मिल पाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है बिल्कुल कि उन्हीं लोगों के लिए ये सेल्फ फाइनेंस वाली स्कीम है जिनका नाम या तो सेलेक्टेड लिस्ट में है या चांस मेमो वाली लिस्ट में उनका नाम आया है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई या तो सेलेक्टेड लिस्ट में या फिर चांस मेमो वाली लिस्ट में आपका नाम हो। और फिर ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ फाइनेंस वाली जो आपकी सीट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना जो फॉर्म फिल किया है और यहाँ पर एंट्रेंस वो दे चुके हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो अपियर हो चुके हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन आया है कि आप सेल्फ फाइनेंस में SFS स्कीम के थ्रू अपना एडमिशन करवा सकते हैं AMU में। फिर भाई बात यह है कि कितनी सीट किसके लिए हैं, ये ऑलरेडी पहले बताया जा चुका था। और देखिए, यहाँ पर इस बात को ये यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि नो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप बाय कैंडिडेट। आपको कोई नया फॉर्म अलग से फिल नहीं करना, जो फॉर्म ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं और आप क्योंकि भाई एंट्रेंस भी दे चुके हैं। और आपका नाम कहां पर आ चुका है, आपका नाम आ चुका है या तो चांस मेमो में या फिर आपका नाम आ गया है सेलेक्टेड में, तो उस केस में आप यहां पर एलिजिबल हैं सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन करवाने के लिए। और आपका जो आईडी और पासवर्ड है अपना याद रखिएगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, क्योंकि वही जो काउंसलिंग वाला आपका पोर्टल है वो ओपन होगा और वहीं पर एक ऑप्शन आएगा सेल्फ फाइनेंस में एनरोल करने के लिए, सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। अब भाई बात यह है कि कितनी कितनी सीट्स हैं। तो जो एक्सटेंडेड सीट्स हैं, है ना, जो हर कोर्स में कुछ कुछ सीट बढ़ाई गई हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेशली BCom के बारे में, तो BCom में सिर्फ जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका आया है। गर्ल्स के लिए सुनहरा मौका आ गया है कि एक बार वो ट्राई कर सकती हैं सेल्फ फाइनेंस में अपना एडमिशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया गया है, तो अलग अलग कोर्सेज के बारे में इस तरह की डिटेल पूरी एक आपके सामने है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स की लिस्ट है, इसमें BCom में हम बात कर रहे हैं ना, 8 सेमेस्टर होने वाले हैं और बॉयज़ जो हैं उनके लिए नहीं है सीट, सिर्फ 20 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये 20 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। और इसी तरह देखिए, अगर मैं यहाँ पर आर्ट्स की बात करूँ, आर्ट्स में आप देखेंगे तो BA में इसी तरह से यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा ये BA का सेक्शन है, इसमें ये सीट्स हैं और कितनी कितनी सीट्स किसके लिए हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जा रहा है देखिए मेल वाला, और ये यहाँ पर निल है, तो सिर्फ जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर आया है कि BCom में आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन ले सकती हैं। शर्त यही है कि आपने जो है ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया हो, आपने एग्जाम दिया हो, तो या तो सिलेक्टेड में आपका नाम हो या आपका नाम वेटिंग में यानी कि चांस मेमो में हो। और अगर आप चाहते हैं तो ये पूरी लिस्ट आप AMU कंट्रोलर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, देखिए इसको आपने पूरी अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहेंगी वो इसी चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएंगी।